जी हेलो, फिर से स्वागत है आपको एक नए ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। इतना अच्छा वीडियो में हम लोग कंटेंट जा भी रहा है, मजा भी आ रहा है, व्यू भी आ रहा, सब कुछ आ रहा, लाइक भी आ रहा, जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ऐसा है कि आज मेरा प्लान है, मतलब जो फ्रेंड आया हुआ है उसके साथ कहीं निकलने का प्लान है। अभी बज रहा है 12, तो निकल चुके हैं कहीं भी सवारी, जहां सवारी चल रहे तो निकलते हैं, देखते हैं कहां जाएंगे, सब अपडेट देंगे, क्या करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, जो करेंगे सब दिखाएंगे आज। चलो मिलते हैं और इस ब्लॉग को करेंगे बड़ा, क्योंकि मुझे बोला गया है कि ब्लॉग को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम भी सोच रहे हैं कि आज से ब्लॉग को करते हैं बड़ा। तो चलो मिलते हैं फिर आपको रोड पे। फाइनली निकल चुके हैं अपने दोस्त की ओर, ठीक है ना। तो जाना तो पहले अभी दोस्त के पास है फर्स्ट ऑफ ऑल, और निकल रहे अपना पल्सर लेके। चलो देखते हैं क्या प्लान बनता है। अभी तक कुछ प्लान तो हम लोग सेट किए नहीं है कहाँ जाना है। चलो मिलकर बात करते हैं उससे कि जाना कहाँ है, तो मिलते हैं फिर। फाइनली तो आ रहा है, देखो देखो सामने से आ रहा है, यही है दोस्त जो बहुत पहले से है लेकिन बहुत टाइम से बाहर था, तो यही आया है। हेलो बड़ी, कहाँ कहाँ चलना है? चलो मिलते हैं। लो भाई चलाओ, सब माहौल है यहाँ का, हमेशा मारे चलते रहता है हर जगह, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई। जितने लोग भी देख रहे हो, ठीक है ना, मुझे कमेंट में बता सकते हो ये कौन सा पुल है, मैं भी देखूं कितने लोग जानते हैं कि ये कौन सा पुल है। चलो मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा पुल है और ये कहाँ पर है, ये मुझे जरूर बताना। तो फाइनली प्लान तो बन गया है कहाँ जाने का, लेकिन सबसे पहले तो प्लान है हम लोग का कहीं चाय पीने का, जहाँ पे हम लोग मेन रूम में चाय पीते हैं, राइट? हाँ, और चाय कौन सा हम लोग पीते हैं? लेमन टी। तो बेसिकली जब भी हम लोग का प्लान बनता है तो वहाँ लेमन टी की चाय पीने का हम लोग जरूर जाते हैं, तो वहाँ चाय पीने चलते हैं। उसके बाद निकलते हैं हम लोग NIT की ओर, क्योंकि ये थोड़ा सा प्लान बनाया कि बहुत टाइम हो गया, आई थिंक तकरीबन 2 साल हो चुका है हम लोग का NIT गया हुआ। तो आज सोच रहे कि NIT भी चले, थोड़ा सा घूमे उधर, मस्ती करें, मजा करें, और थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएंगे वहाँ पर भी। वहाँ पहुँच के NIT कब एस्टैब्लिश हुआ है, वहाँ क्या है। अच्छा, NIT का फुल फॉर्म मुझे बता सकते हो आप लोग क्या है? मुझे आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कि NIT का फुल फॉर्म क्या है, मैं भी देखूँ कितने लोग को पता है। ऐसे मैं इस वीडियो में तो बताऊँगा NIT का फुल फॉर्म क्या है, बट मैं भी देखना चाहता हूँ अभी कौन बता सकता है। तो प्लीज़ ड्रॉप मैसेज जरूर करना। चलो मिलते हैं, ऐसे रास्ते में ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहिए लेकिन जरूर बनाएंगे, क्योंकि आज मेरे साथ मेरा दोस्त है जो गाड़ी चला रहा है, तो मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं तो वीडियो नहीं बना पाते हैं, दैट्स व्हाई। फंस चुके हैं हम लोग जाम में, बहुत लंबा चौड़ा जाम इधर से लेके उधर तक, कितना दिखाएं यार, दिखाने बैठेंगे तो बहुत लंबा जाम हो जाएगा। चलो मिलते हैं आगे, यहाँ से निकलते हैं और डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। आने का तो कोई फायदा हुआ नहीं, पता चला कि दुकान बंद है, क्या किया जाए। अब आगे का देखते हैं हम लोग क्या प्लान बनाते हैं। चाय पीने का तो मन है, कहीं भी पियेंगे लेकिन पियेंगे जरूर। चलो देखते हैं। तो चलो पहुंचने वाले हैं अपना NIT। अब मेरे बताओगे कौन कौन कमेंट किया कि नहीं किया? चलो देखते हैं, वो तो मैसेज देख लेंगे कौन कौन ने कमेंट किया है। और आई थिंक बहुत लोग यहाँ का जानते होगा, ये प्लेस जानते ही होंगे, NIT के जितने लोग आए होंगे उन लोगों को ये जगह पता ही होगा। चलो देखते हैं आगे NIT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? ऐसे तो हम बताएंगे, लेकिन ये रहा NIT का मेन गेट और ये रहा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, ठीक है? ये रहा आपका NIT, लेकिन हम लोग NIT के अंदर नहीं जाना, हम लोग NIT के बगल से जाना है, घाट का रास्ता है, क्योंकि NIT सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अपन लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो चलो निकल चुके हैं घाट की ओर, थोड़ा वहाँ घूमेंगे, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे। ऐसे दो लोग में तो कुछ मजा उतना हो नहीं पाएगा पता है, पर जितना होगा ये जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे का सीन क्या है। फाइनली आ चुके हैं NIT के अंदर, अंदर घुस चुके हैं, और लेकिन हम लोग के साथ एक ट्रेजेडी फील हो गया, यहाँ भी आने के बाद चाय नहीं मिला। हम लोग का किस्मत खराब है, क्या बोलना चाहोगे सौरभ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। बोल लो भाई मेरा। चलो यार क्या बोले, लेकिन चलो, लेकिन चाय तो पियेंगे, कुछ भी हो जाए, कहीं भी पियेंगे, लेकिन पियेंगे जरूर, ये तो हम लोग का निश्चित है। चलो देखते हैं अंदर मौज मस्ती क्या चल रहा है, क्या नहीं चला, कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं NIT पे। ऐसे तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत सी चेंजेस हो गया, हरियाली भी चेंज हो गई है, हर चीज़ हो गया है यहाँ पे। पता नहीं ये कैफे वैफे आई थिंक बन गया, यहाँ पे कैफे बन गया क्या? नहीं कैफे, और चेंजेस किया यार। चलो अच्छी बात है, बिहार टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत अच्छी चीज़ है,
एक दिन चलेंगे, यहाँ पे भी चलेंगे, शिप का मज़ा भी लेंगे। बहुत टाइम हो गया है, बहुत चीज़ नहीं यहाँ की है यार, अभी बहुत चीज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, मज़ा करेंगे और सब कुछ दिखाएंगे जो हम लोग करेंगे। चलो आगे मिलते हैं थोड़ा सा। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ कुछ प्लेस आने के बाद बहुत अच्छा सुकून मिलता है, शांति मिलता है, तो वो एक टाइप से अभी बोल सकते हो इस टाइम आओगे तो एकदम शांति माहौल मिलेगा, मज़ा मिलेगा। और ये देखो यहाँ तो कपड़ा वपड़ा सब सुखाया जाता है, तो अब क्या चाहिए यार यहाँ पे। चलो यार सही है। अब वो देख रहे हो वहाँ, देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है क्या वहाँ, देखो शिप का सब मज़ा ले रहा है, मज़ा उठा रहा है। और ये थोड़ा सा जूम पे फट रहा है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आईफोन है तो पता ही है कैसा नौटंकी करता है ये। कुछ कहना चाहिएगा? The view is the mountain, look at this। लेकिन सही में मजाक नहीं, मजाक से हट के, लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मज़ेदार शांत प्लेस, क्या बोले, मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है अभी बोलने को, सच्ची बताएं तो इतना अच्छा शांति लग रहा है। और यहाँ तो बहुत सारे मेमोरीज हम लोग का है। और ये सामने आई थिंक हम लोग कितने बार गए होंगे सामने, दो बार आई थिंक गए हैं अभी तक में, हमको तो याद है कि हम दो ही बार गए हैं, हमको पता नहीं तुम लोग जाते आते हो तो। और ये है, ये पता नहीं ये पुल कब कंप्लीट होगा, इसका काम बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है बट पता नहीं कब होगा, जब भी हो जाएगा तो मज़ा आएगा, इसका तो ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आएगा सच्ची बताएं तो। चलो मिलते हैं आगे। देख रहे हो इस लड़के को, देखना सर, हाँ भाई मत करना कभी ये सब चीज़, सब पता नहीं। यार ये सब चीज़ मत करना तो ज़्यादा अच्छा है, आओ मज़े से नहाओ धोआओ, ये सब ट्यूडिक्स लेने का। अभी बंदा गया कहाँ, अभी तक बाहर तो नहीं आया, अभी आजा बे, अभी कहाँ निकलेगा, वे देख कहाँ आया। तो फाइनली निकल चुके हैं चाय खोलने, चाय पीना है, धूप इतना ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा है, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं हम लोग, चाय लवर तो अलग चीज़ है, एकदम जिद्दी इंसान अच्छा। कि नहीं पीना है तो पीना ही है, वो गर्मी पड़े ठंडा पड़े जो पड़े। तो ये रहा अपना बाइक, निकालने का टाइम हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ दे दे भाई, ये दे दे, चलो मिलते हैं आगे, चाय यहाँ खोज मिलेगा वहाँ मिलते हैं हम लोग। फाइनली मिल चुका है अपना चाय का दुकान, आ गया हम लोग चाय स्टॉल, फाइनली मिल तो गया चाय, चलो चाय पीते हैं। भैया दो चाय दीजिएगा ना। चलो सौरभ कैसा लग रहा, चाय तो मिल गया, अरे तुम्हारे शकल का ये मिल गया देखो, पान प्लाट, तुम्हारा शकल पान प्लाट। चलो यार मैं जोक से पाक अपने जगह है, ज़्यादा चाय पीने के लिए आए, ये सब गलत काम नहीं, राइट सही बोले ना, सही बात है भाई, शरीफ है हम लोग। चलो भाई मिलते हैं चाय पीने के बाद। अपने हाथ में चाय, इतना एडिक्टेड इंसान हम लोग हैं चाय के क्या बोले। अरे इसको देखो तो चाय तो मिलता ही, पीना है साथ, सुकून है भाई, सुकून है यार, देखो गर्मी इतना है लेकिन चाय पीना है। चलो कोई नहीं, चाय को करते करते ख़त्म, जल्दी से मिलते हैं फिर रास्ते में, अब आगे का क्या प्लान है वो बताते हैं। अब तो निकल चुके हैं अपने जगह, पता नहीं अभी क्या प्लान है हम लोगों का, कहाँ जाने का प्लान है कुछ पता नहीं है। ऐसे मुझे तो लगता है कि अब घर ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना धूप हो रहा है कि कुछ कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, सच्ची बताए तो। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर थोड़ा सा, मिलते हैं थोड़ा देर बाद, शाम में मिलेंगे, कि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है तो घर निकलना जरूरी रहेगा, तो अभी कॉन्सेंट करते गाड़ी उड़ी चलाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मिलते हैं हम लोग सामने, तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली आ चुके हैं घर, थक गए हैं थोड़ा, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहेंगे अब तो, और मिलते हैं फिर थोड़ी बाद ब्लॉग में। तो फाइनली टाइम हो गया है 7:30, और सोचे थे ब्लॉग तो वहीं हमको लगा एंड हो जाएगा, लेकिन नहीं, आज मुझे याद नहीं था कि मेरे दोस्त की बहन का शादी भी है तो वहाँ भी जाना है, तो फाइनली हो गए हम लोग तैयार वार हो के निकल चुके हैं। नॉर्मल गेटअप है, कोई हैवी गेटअप लेके जाना जरूरी नहीं है, तो नॉर्मल गेटअप है, बहन का शादी है तो चलो वहाँ का थोड़ा एंजॉय करेंगे, वहाँ का कुछ वीडियो दिखाएंगे, वहाँ का ऐसा चल रहा था वो सब दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। चलो मिलते हैं शादी में, तब तक लिए बाय बाय। फाइनली आ चुके हैं पार्टी में, बट ज़्यादा जगह वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए तो चलो।
पार्टी को कर लेते हैं एंजॉय, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। तो फाइनली बोला जाए तो आज का दिन तो ख़त्म हो गया, रात भी ख़त्म हो गया, बोला जाए तो रात का 12 बज रहा है, टाइम दिखा नहीं पाएंगे वरना सीरियसली अभी टाइम दिखाते हैं, रात का बज गया 12। तो इस ब्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पे एंड, आज का दिन बहुत मज़ेदार हो गया, तो चलो मिलते हैं कल। जैसे कि देख सकते हो, देखो टाइम हो चुका है 12 बज रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट 12:11 हो गया। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अगर गाइस अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार, इससे थोड़ा सा हिम्मत मुझे भी मिलेगा, और तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।